हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे दैट हाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी होल स्क्वायर। ये एक आसान सा सवाल है जिसकी जो एक मिस्ट्री बना रहता है जब तक इंसान बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं सीखता, स्टूडेंट जब तक ये सोचता रहता है कि ये आया कहाँ से। तो मैं आपको ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम लोगों ने एक लाइन लेनी है सबसे पहले, तो बेसिकली विच स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड एंड थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। और हम इसके सेंटर में एक आर्बिटरी पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में या दो अनइक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा बेसिकली। तो एक पार्ट का हम नाम रख देते हैं ए और दूसरे पार्ट का हम नाम रख देते हैं बी, ठीक है। अब हम इसको स्क्वेयर की फॉर्म में प्लॉट कर लेते हैं, तो किस तरह करेंगे। एक हमारे पास लाइन ये बनी, ओके, थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। उसको इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर अगर हम प्लॉट करें ए और बी को, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ए एंड बी। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कुछ बन जाएगा और यहाँ इस तरीके से, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसको प्लॉट कर लिया इन अ स्क्वायर फॉर्म। और अब आप इनको ज्वाइन कीजिए लाइन्स को, तो आपके पास बेसिकली दो रेक्टेंगल्स और दो स्क्वायर्स बन जाते हैं। दिस इज ऑल्सो, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल एंड बोथ ऑफ दीज आर स्क्वेयर्स, क्योंकि इनकी चारों साइड्स इक्वल हैं और इनकी पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो दो स्क्वेयर्स और दो रेक्टेंगल्स बन गए। अब आप इनका एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू वेथ कह लीजिए। तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए इज ए स्क्वेयर, बी मल्टीप्लाइड बाई ए इज ए बी, या फिर बी ए, दोनों में से आप जो चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है मल्टीप्लीकेशन। तो बी ए विल बी इक्वल टू ए बी। इन नेक्स्ट वी हैव ए मल्टीप्लाइड बाई बी, अगेन वी कैन राइट इट एज ए बी, ओके, एंड द थर्ड वन इज बी इन टू बी विच इज बी स्क्वेयर। अब आपके पास दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस, ओके। अब आप इसको एड कर लीजिए इन सबको, सो वॉट इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इज इट। और आप इसको इन दोनों को एड कर लीजिए, ए बी एंड ए बी विल बी टू ए बी बेसिकली, सो प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी गेट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है, होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो काइंडली थम्स अप दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बहुत सारी और एजुकेशनल वीडियोज आप तक पहुंच सकें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।